हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई के 2019 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बात करने हैं। कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, फुल जानकारी आपको मिलने वाला है। कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। ओके फ्रेंड, मेरा चैनल है एग्जाम स्टोर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। RRB JE 2019 लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन, लर्न हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग CBT। आप लोगों को कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है उसके बारे में ये वीडियो है। ओके फ्रेंड, यहाँ देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB एज द ऑल सेट टू स्टार्ट RRB जूनियर इंजीनियर CBT फर्स्ट। ओके फ्रेंड, फ्रॉम May 22, 2019 द एग्जामिनेशन इज बिंग हेल्ड एट द नेशनल लेवल फॉर 13,487 वैकेंसी। द एग्जाम विल बी हेल्ड अंटिल June 2। ओके फ्रेंड, 2019 ईच डे देयर विल बी 3 स्लॉट इन विच कैंडिडेट विल बी टेक द CBT। आपको 3 स्लॉट में मिलेगा। ओके फ्रेंड, यहाँ से देखिए, RRB JE CBT फर्स्ट, इसमें आपको क्या मिलेगा, इज 19 मिनट एग्जामिनेशन इन विच कैंडिडेट हैव टू सॉल्व 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, आपको 90 मिनट मिलेंगे, उसमें 100 क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइस भी रहेंगे। ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क्स एंड फॉर मार्किंग इन करेक्ट क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क विल बी डन। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका 1/3 काट लिया जाएगा सही क्वेश्चन से। ओके फ्रेंड, आगे देखिए, आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। सिंस इट इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट ओनली हैव लेस देन 1 मिनट टू एक्यूरेटली सॉल्व ए क्वेश्चन। हियर आर सम टिप्स ऑफ मैनेज टाइम टू इन द एग्जाम एंड सॉल्व ऑल क्वेश्चन विद इन द गिवन टाइम पीरियड। आपको मैं ये टिप्स दूंगा कि फ्रेंड, आप लोग अपने टाइम के अंदर ही कैसे एग्जाम को सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो देखिए कैसे आप लोग करने वाले हो अपने सारे पेपर सॉल्व। यहाँ देखिए, नो इंस्ट्रक्शन इन एडवांस। RRB रिलीज ए मॉक टेस्ट फॉर RRB JE CBT फर्स्ट इन अवेलेबल ऑन द लॉगिन एंड कैंडिडेट कैन एक्सेस इट बाय इंटरिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ओके फ्रेंड, कैंडिडेट शुड हैव ए लुक एट द मॉक टेस्ट बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम। दिस मॉक टेस्ट इज नॉट वैलिड फॉर प्रैक्टिस पर्पज बट इज ए रिप्लाइड ए हाउ टू बी CBT फर्स्ट विल बी। ओके फ्रेंड, फ्रॉम इट कैंडिडेट कैन अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनेशन एंड नॉट वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट ऑन द एग्जाम डे। तो ओके फ्रेंड, आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। आप इसके लिए ना देखिए कि आपका टाइम बर्बाद होगा, आपको जरूर से कुछ सीखने को ही मिलेगा। ओके फ्रेंड, यहाँ से देखिए, क्विकली अटेम्प्ट जनरल अवेयरनेस एंड साइंस सेक्शन। देखिए कैसे आपको गेनिंग स्कोर करना है, कैसे आपको सलेक्शन लेना है उसके बारे में टिप्स दिए। देखिए, क्विकली अटेम्प्ट जनरल अवेयरनेस एंड साइंस सेक्शन, द टोटल क्वेश्चन एंड मार्क इन जनरल अवेयरनेस एंड साइंस सेक्शन एज 15 and 30। ओके फ्रेंड, रिस्पेक्टिवली द कैंडिडेट कैन सेव टाइम बाई क्विकली रीडिंग द क्वेश्चन एंड चेकिंग द रिस्पॉन्स फॉर इट। ए कैंडिडेट आइदर नोज द एंसर दिस क्वेश्चन और डज नॉट, हेंस देयर इज नो पॉइंट टू इन्वेस्टिंग टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, जस्ट मार्क द एंसर और मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, आपको लगे ये सही है तुरंत उसको टिक कीजिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन कर दीजिए। डू नॉट गो फॉर द हिट एंड ट्राई बिकॉज देयर इज ए निगेटिव मार्क। अगर आपको उम्मीद नहीं है कि ये नहीं हो सकता है तो उसको हिट मत कीजिए। ओके फ्रेंड, क्योंकि आप निगेटिव मार्किंग में उससे भी आप लोगों को बचना है। ओके फ्रेंड, यहाँ देखिए, साफ साफ ये लिखा है, देयर इज नो पॉइंट टू इन्वेस्टिंग टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, जस्ट मार्क एंड द एंसर और मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू नॉट गो फॉर द हिट एंड ट्राई बिकॉज देर इज ए निगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम। ओके फ्रेंड, तो आपको वही टच करना है जो आ रहा है, बिल्कुल भी आपका करेक्ट हो। अटेम्प्ट पहले इजी क्वेश्चन फर्स्ट आपको करना है। देखिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर मैथमेटिक्स सेक्शन इज 30 एंड फॉर्म जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन विल बी आस्क। देयर आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, हेंस द कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन फर्स्ट करना है। कैलकुलेशन स्पेशली स्केपली टेक टाइम। ओके फ्रेंड, सो इट इज एडवाइज दैट कैंडिडेट अटेम्प्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन आफ्टर फिनिशिंग ऑल द इजी क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन कर लेना है, उसके बाद कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन करना है। ओके फ्रेंड, सिंस द टाइम लिमिट लेस इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज डेट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन द क्वेश्चन इज ऑल्सो ए लॉस। ओके फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद में ही आपको जो कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन उसको करना है। डोंट बी स्केयर्ड। ओके फ्रेंड, एंड स्टे फोकस।
वेरिंग ओवर क्वेश्चन डेट यू डू नॉट नो विल इंक्रीज यू इफिशियंसी. ओके फ्रेंड, हैंस डू नॉट बी स्ट्रेस अबाउट द एग्जाम बिफोर और वाइल अटेम्प्टिंग इट. ओके फ्रेंड, आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको एग्जाम को एकदम कायदे से लीजिए. जस्ट स्टे फोकस थ्रू आउट एंड गिव योर बेस्ट शॉट. ओके फ्रेंड, आपको क्या करना है, फोकस करना है और अपना बेस्ट देना, उसमें 100% यू शेल क्वालिफाई विथ ए गुड स्कोर. ओके फ्रेंड, और जिससे आप अपना गुड स्कोर कर सकते हो. ओके फ्रेंड, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बोल रहा है. अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.